हथियार और गोलियों के साथ आर्म्स सप्लायर गिरफ्तार। आपको बता दें, मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपेश सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस और एसटीएफ ने हथियार और गोलियों के साथ आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक लिपेश सिंह ने मीडिया को बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि उन्हें मुस्बिल थाना क्षेत्र के दरियारा से आर्म्स लेकर कुछ लोग आ रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मुस्बिल थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार कासिम, बाजार थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार और एसटीएफ जमालपुर अभियान दल की संयुक्त टीम का गठन कर कार्रवाई का निर्देश दिया। और उसके बाद से एक देसी कट्टा, एक भी क्या क्या बरामदगी भी है। गुप्त सूचना एक मिली थी कि मुफस्सिल थाना का जो दियारा क्षेत्र है वहाँ पर कुछ हथियार लेकर के क्रिमिनल्स आए हुए हैं, तो एक टीम गठित की गई एएसपी सदर के नेतृत्व में, और इसमें थानाध्यक्ष कासिम बाजार, मुफस्सिल और जो एसटीएफ का अभियान दल है, छापेमारी की गई। तो वहाँ पर जो है एक मोहम्मद असलम जो मिर्ज़ापुर बरधा का है आम सप्लायर, उसको गिरफ्तार किया गया। और उसके पास से एक देसी कट्टा, एक 9mm का पिस्टल और उसके साथ दो मैगजीन, और एक जो है 7.65mm का भी एक पिस्टल बरामद हुआ है, उसकी भी दो मैगजीन, साथ में 315 बोर की 21 जिंदा गोलियां और 9mm की भी 16 जिंदा गोलियां बरामद की गई है। और इस पे पूर्व में भी मुफस्सिल थाना में जो मोहम्मद असलम है उसके खिलाफ केसेस हो चुके हैं और चार्जशीट पहले भी दायर की जा चुकी है, और इसने कन्फेस किया है कि ये जो है देरा क्षेत्र में हथियार बनवाता है और जो है दूसरी पार्टी को डिलीवर भी करने का काम करता है। पहले भी आपराधिक इतिहास है? हाँ, पूर्व में आपराधिक इतिहास है। इसमें और कौन कौन शामिल है? इसमें जो है कुछ लोग भागने में सफल हुए थे अंधेरे का फायदा उठा करके।